हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.6 सॉलिड ज्योमेट्री स्फीयर में, उसका पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स विच टच द प्लेन 3x + 2y + 6z - 7 = 0 एट द पॉइंट 1 - 1 and 1 एंड द स्फीयर दिस। हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर निकालना है जो इस प्लेन को टच करता है इस पॉइंट पर एंड इस स्फीयर को टच करता है। हमें उस स्फीयर का सेंटर निकालना है जो एक प्लेन को टच करता है और एक अनदर स्फीयर को। ठीक है, तो मान लेते हैं C, जो हमें स्फीयर निकालना है जिसका सेंटर कैपिटल C है और रेडियस कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, जो कि इस प्लेन को टच करता है इस पॉइंट पर। ये हमें गिवन है, तो मान लेते हैं जो स्फीयर हमें फाइंड आउट करना है वो इस प्लेन को हमें टच करता है, गिवन है इस P पॉइंट पर 1 - 1 and 1 पर। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, दो स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। एक बार स्फीयर जब इस प्लेन को टच करता है और जब हमें रिक्वायर्ड स्फीयर इस गिवन स्फीयर को टच करता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे जब हमारा स्फीयर गिवन रिक्वायर्ड स्फीयर प्लेन को टच करता है। तो देखिए, मान लीजिए इसको अगर मैं फिगर से समझाना चाहूँ तो देखिए कुछ इस तरह से हमें निकालना है कि ये हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर है जिसका सेंटर C और रेडियस कैपिटल R है। ये इस प्लेन को P पॉइंट पर टच करता है, प्लेन की इक्वेशन ये है। एंड दिस स्फीयर ऑल्सो टचेज अनदर स्फीयर जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, ये इस स्फीयर को भी टच करता है। तो ये स्फीयर अब बाहर भी हो सकता है और अंदर भी, मतलब ये जो स्फीयर है ये एक्सटर्नली भी टच कर सकता है और इंटरनली भी टच कर सकता है, किसी भी तरीके से टच कर सकता है। तो दोनों केसेस लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये स्फीयर इस प्लेन को टच करता है अगर, तो CP जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन पर। सेंटर जो होता है, सेंटर से अगर प्लेन पर लाइन टच करते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट को, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है प्लेन पर। तो डायरेक्शनल कोसाइंस और CP किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, 3, 2 and 6 के। इस लाइन के डायरेक्शनल कोसाइन हमारे 3, 2 and 6 के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। एंड इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से P से पास होती है और जिसके डायरेक्शनल कोसाइन है 3, 2 and 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, x - 1/3 y + 1/2 z - 1/6। सपोज इसको इक्वल टू R पुट कर लेते हैं, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/1 इसको R के इक्वल, फिर इसको और फिर इसको 1/1 R के इक्वल पुट करेंगे अगर हम। तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 3R + 1, यहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी 2R - 1, यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी 6R + 1। नाउ देखिए, C जो है ये भी इसी लाइन पर कोई पॉइंट है जिसके हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट किए हैं। तो C के कोऑर्डिनेट भी हमारे यही हो जाएंगे 3R + 1, 2R - 1 एंड 6R + 1। तो C के कोऑर्डिनेट भी आ गए, P के भी आ गए। तो CP लाइन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और CP हमारे रेडियस के इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से C के कोऑर्डिनेट भी हैं, P के भी हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, C के कोऑर्डिनेट हमारे ये हैं 3R + 1 -1 का स्क्वायर, 2R - 1 -1 का स्क्वायर, 6R + 1 -1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारे पास यहाँ से CP की वैल्यू आ गई 7R। एक कंडीशन हो गई। नाउ सेकंड हमें स्टेप में क्या गिवन है कि ये स्फीयर इस स्फीयर को टच करता है। तो इस स्फीयर की इक्वेशन हमें गिवन है, इसका सेंटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं और रेडियस। तो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमें गिवन है स्फीयर, तो इसका सेंटर हो जाएगा 1, 2 and 3 एंड रेडियस क्या हो जाएगी 2। तो ये मेरे ख्याल से आपको सेंटर एंड रेडियस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करने सिखाए थे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं वो वीडियोस, और अगर आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले वो वीडियोस देखिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब देखिए, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमें गिवन है जिसके सेंटर और रेडियस, सेंटर को हमने C' से डिनोट किया है और रेडियस को, रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर को R' से डिनोट किया है ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो आगे। तो C' और R' ये नोटेशन है हमारे गिवन स्फीयर की। ठीक है, तो R' हमारी 2 आ गई है और C' की वैल्यू 1, 2 and 3 आ गई है यहाँ से। तो अब देखिए, नाउ C' इज इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये भी हमने पहले एक वीडियो में किया हुआ है कि जब कोई दो स्फीयर आपस में टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो r+r' सम ऑफ द रेडियसेस एंड डिफरेंस ऑफ द रेडियस के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू। अगर वो एक्सटर्नली टच करता है तो प्लस आता है और इंटरनली टच करता है तो माइनस का सिंबल आता है। तो अब हमें क्योंकि ये गिवन नहीं है कि स्फीयर एक दूसरे को कैसे कट कर रहे हैं इंटरनली एक्सटर्नली, तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज लेकर चलेंगे r ± r'। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर, एक स्फीयर का सेंटर c है दूसरे का c', तो डिस्टेंस c c' हो जाएगा। एक सपोज ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, ये c है ये c', दोनों के सेंटर्स का डिफरेंस जो होता है वो सम ऑफ रेडियस के इक्वल होता है अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, और इंटरनली टच करते हैं तो डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। रूट ऑफ दिस टचिंग स्फीयर्स का कॉन्सेप्ट हमने किया था उस वीडियो में, मैंने ये इसको डिटेल में गिवन है तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने ये नहीं किए हैं कॉन्सेप्ट तो पहले आप ये कर लीजिएगा। नाउ c c' दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं c के और c' के। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने c और c' का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। r+r', r हमें रिक्वायर्ड स्फीयर की रेडियस है, r' अभी हमने फाइंड आउट की है 3, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर्स खोलेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस के साथ और माइनस के साथ सॉल्व करेंगे जब, तो एक बार 9/64 और एक बार 9/8। हमें निकालना क्या है, सेंटर निकालना है रिक्वायर्ड स्फीयर का, सिर्फ सेंटर, इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करनी। तो सेंटर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के आ जाएंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, उसमें r में वैल्यूज़ हैं तो r की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आई उसमें हमने पुट कर दी तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी सेंटर ऑफ स्फीयर्स की। Now question number 10 is find the equation of the sphere which has its center at the origin and which touches the line this। हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर हो और इस लाइन को जो टच करता हो। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, सेंटर हमें क्लियरली गिवन है कि 0 0 0 है और जो इस लाइन को टच करता है स्फीयर। तो देखिए सेंटर ऑफ द स्फीयर 0 0 है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन हमें ये गिवन है, टच करता है इसका मतलब ये टेंजेंट लाइन है, सो दिस इज द टेंजेंट लाइन। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया कि x+1 2 हमने सबके नीचे ले जाएंगे तो x+1/1 2 - y/2, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -2 बन जाएगा z+3/2। इसको मान लीजिए r के इक्वल पुट कर देते हैं। सो लेट द स्फीयर, अब क्योंकि स्फीयर जो है हमारा, तो मान लेते हैं स्फीयर इस लाइन को m पॉइंट पर टच करता है, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x को इसको इससे इक्वल पुट करते हैं एक बार इसको और एक बार इसको, तो किसी पॉइंट के इस लाइन पर कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी r-1, y की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए हमें क्या गिवन है, कोई स्फीयर किसी लाइन को टच कर रहा है m पॉइंट पर, लाइन की इक्वेशन हमारी ये है, तो डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ दिस लाइन, जो ये लाइन है इसके डायरेक्शनल कोसाइन हमारे किसके प्रोपोर्शनल है 1 - 2 and 2 के, एंड जो ये लाइन है OM इसके डायरेक्शनल कोसाइंस जो होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे। देखिए m के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं, तो m पॉइंट भी इसी लाइन पर लाई करता है तो m के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे यही हो जाएंगे, तो डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ दिस लाइन। अब OM लाइन के डायरेक्शनल रेशोज़ क्या हो जाएंगे, हमारे डायरेक्शनल रेशोज फाइंड आउट हमें करने आते हैं, ये 0 0 पॉइंट है और ये r-1 दिस एंड दिस है, तो डायरेक्शनल रेशोज क्या हो जाएंगे r-1 - 0 -2r+2 - 0 एंड 2r - 3 - 0। तो डायरेक्शनल रेशोज ये हो जाएंगे, तो डायरेक्शनल कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे r-1 - 2r+2 एंड 2r - 3 के, तो इस लाइन के डायरेक्शनल कोसाइन हमारे इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे यहाँ से। तो अब क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शनल कोसाइन जो हैं वो हमारी किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, a1 A2 + b1 B2 + c1 C2 = 0। तो दोनों के डायरेक्शनल कोसाइन को हम उस प्रॉपर्टी के अंदर सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी कि OM क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे दोनों के डायरेक्शनल कोसाइंस को, तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने पर 11/9 आ जाएगी यहाँ से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएंगे हमारे पास देखिए आर की जैसे ही वैल्यू आती है, एम की वैल्यू जो हमारे पास थी आर माइनस टू आर प्लस टू एंड टू आर माइनस थ्री, उसके अंदर एम के अंदर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास एम के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ओ एम, रेडियस ऑफ द स्फीयर किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर यहाँ से हमारी ओ एम के इक्वल थी। देखिए ऐसे हमारा स्फीयर था, यहाँ से इस पर टचिंग जो था पॉइंट एम था, तो ये ओ एम, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ओ एम क्या हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 हैं, एम के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4/81, इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये बाय रूट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल है, तो वो वैल्यू आ गई आपकी √5/9। हैंस इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस भी हमें पता चल गई है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x² y² + z² = रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/9। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी स्फीयर की। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्फीयर्स हुज सेंटर्स लाई इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट एंड विच टच द प्लेन्स, दीज थ्री प्लेन्स की इक्वेशन आपको गिवन है। देखिए हमें इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स फाइंड आउट करनी है जिनके सेंटर पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई करते हैं। मतलब अगर सेंटर पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई करते हैं इसका मतलब नॉन नेगेटिव है वैल्यूज़, एंड विच जो स्फीयर इन प्लेन को भी टच करते हैं, इन चारों प्लेन्स को, उन स्फीयर्स की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो मान लेते हैं पी अल्फ़ा, ये जो पी पॉइंट है जिसके अल्फ़ा बीटा गामा कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर है रिक्वायर्ड स्फीयर का, और आर इसकी रेडियस हम ले लेते हैं। अब क्योंकि ये स्फीयर पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ द स्फीयर जो है वो पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई करते हैं, तो ये सेंटर जो है इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट नॉन नेगेटिव हो जाएंगे हमारे पास, अल्फ़ा बीटा गामा आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अब देखिए क्योंकि स्फीयर, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या गिव है, स्फीयर जो है वो चार प्लेन्स को टच करता है। अब कोई स्फीयर अगर किसी प्लेन को टच करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम इससे डालें, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होता है, तो 1/1 चारों प्लेन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो x = 0 प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और डिवाइडेड नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। सिमिलरली सेकंड दैट इज इक्वल टू रेडियस। फिर सेकंड प्लेन है y = 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बीटा बाय 1। थर्ड z = 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग गामा बाय 1, और इस प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2α 2β प्लस गामा माइनस 8a डिवाइडेड बाय 2² 2² प्लस 1², टोटल 9 हो जाएगा। √9 = 3, दैट इज इक्वल टू आर। रेडियस के इक्वल आ गए सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, अब क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनका मोड लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ छोड़ देंगे यहाँ से। तो मोड अल्फ़ा अल्फ़ा लिख दिया, मोड बीटा बीटा एंड मोड गामा गामा, ये एज इट इज़ दैट इज इक्वल टू आर। नाउ इसको इक्वल टू आर कंपेयर करें तो दिस इज इक्वल टू 3r। यहाँ से 5r - 8a इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ± 3r आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेकर और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेकर, तो 5r - 8a 3r लेंगे तो यहाँ से 2r = 8a, तो r की वैल्यू आएगी 4a। एंड जब इसको -3r के इक्वल पुट करेंगे तो 8r = 8a एंड r = a आ जाएगा। जब एक बार इसको लेकर सॉल्व करेंगे आगे एक बार इसको, तो जब r = 4a लेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा r के इक्वल है, तो अल्फ़ा बीटा गामा = 4a आ जाएगा। और जब r को a लेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा हमारा a के इक्वल आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमें फाइंड आउट करनी है जो अल्फ़ा बीटा गामा जिसका सेंटर है और रेडियस आर है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी ये होती है इन सेंट्रल फॉर्म, जो अल्फ़ा बीटा गामा जिसका सेंटर हो और रेडियस आर हो। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ 1/1 दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव वाली, तो x - 4a² y - 4a² प्लस z - 4a² = r का स्क्वायर, r भी यही है तो 4a का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। जब हम आर इज इक्वल टू ए लेकर चलेंगे सब वैल्यूज तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ये आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये दो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आ जाएंगी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 इज टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। देखिए बड़े ध्यान से इसकी आपको इक्वेशन समझनी होगी। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर दिस मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। टेंजेंट प्लेन जो होगा वो किसी पॉइंट ऑफ द स्फीयर को, इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन किसी भी पॉइंट पर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर मिलता है। शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स थ्रू ABC इज द सरफेस दिस। देखिए इसकी जो इक्वेशन है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वो थोड़ी सी घुमा फिरा कर दी गई है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझनी होगी। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। देखिए इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पॉइंट पर मिलता है। शो डैट लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स थ्रू ABC। देखिए हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ऑफ द प्लेन्स, जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है ना हमारे ABC के थ्रू उनके पैरेलल हैं वो प्लेन्स, उनके इंटरसेक्शन का लोकस हमें फाइंड आउट करना है, ये आएगा। क्लियर हुई डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स थ्रू ABC। कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं थ्रू ABC उनके पैरेलल जो प्लेन्स आएंगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है, ये आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन स्फीयर ये है, ठीक है, जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस R है। इट इज क्लियर ना। टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमें गिवन है कि ABC पॉइंट पर मिलता है। तो OA क्या हो जाएगा हमारे पास, A, OB B हो जाएगा एंड OC C ले लेते हैं सपोज। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगी, x बाय ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। कोई पॉइंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर इंटरसेप्ट करता है तो उसकी इक्वेशन हमारी प्लेन की ये होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन हो जाएगी इस केस में ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए सिंस ये जो है ये स्फीयर का टेंजेंट प्लेन है, तो टेंजेंट प्लेन जो किसी स्फीयर का होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस के इक्वल होता है। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इस प्लेन का इस स्फीयर से। तो क्या हो जाएंगे, प्लेन के स्फीयर के सेंटर है 0, 0, 0 और प्लेन हमारा ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, 0, 0 माइनस 1 बाय x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कोफिशिएंट 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस R। तो देखिए यहाँ पर -1 इज इक्वल टू R इंटू दिस आ जाएगा। तो मोड ऑफ -1 1 के इक्वल हो जाएगा R स्क्वायर, बोथ साइड क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस हो चाहे प्लस हो उसका स्क्वायर +1 आएगा। R स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये R स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 1 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको सबको ऊपर ले जाते हैं तो ए की -2 प्लस बी की पावर -2 प्लस सी की पावर -2 इज इक्वल टू R की पावर -2। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। नाउ अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, locus of the point of intersection of the planes drawn parallel to the coordinate planes through ABC। तो सबसे पहले हमें इनकी पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हमारे ये हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के x0, y0 एंड z0। अब इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x इज इक्वल टू 0 जो इस प्लेन के पैरेलल होगा उस प्लेन की इक्वेशन ये होगी x इज इक्वल टू k। और अगर ये प्लेन किस पॉइंट से पास होता है, A से, यह हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि इफ़ द प्लेन जो पैरेलल है इस प्लेन के और पास होता है इस ए पॉइंट से, ए के कोऑर्डिनेट ये है, तो देखिए अगर ये प्लेन इस पॉइंट से पास होता है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स की जगह पर ए पुट कर देंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए एंड पैरेलल टू द एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एक्स इज इक्वल टू ए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो इस पॉइंट बी से पास होगी और पैरेलल होगी वाई इज इक्वल टू जीरो प्लेन के, वो हो जाएगी वाई इज इक्वल टू बी। एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो सी पॉइंट से पास होगा और पैरेलल होगा इस प्लेन के, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी जेड इज इक्वल टू सी। अब हमें क्या गिवन है कि ये तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करेंगे उसका हमें लोकस निकालना है। तो ये तीनों प्लेन्स मान लेते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्लेन है तीन, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी एंड जेड इज इक्वल टू सी। तो ये तीनों प्लेन ऑब्वियसली इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे एक्स वाई जेड पर। सो फॉर फाइंडिंग द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो हम जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी उसमें और इसमें से ए बी सी को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए एक्स की वैल्यू ए वाई बी जेड इज इक्वल टू सी, थ्री प्लेन्स ये हैं और एक इक्वेशन वो है, दोनों इक्वेशन में ए बी सी को एलिमिनेट कर देंगे। तो ए की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में एक्स पुट कर देंगे, बी की वाई और सी की जेड। तो आपकी इक्वेशन थर्ड क्या थी, ए की माइनस टू प्लस बी की माइनस टू प्लस सी की माइनस टू इज इक्वल टू आर की पावर माइनस टू, उसकी जगह पर ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी। तो लोकस ऑफ द पॉइंट आ जाएगा, एक्स वाई जेड का लोकस क्या आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू, वाई की माइनस टू प्लस जेड की माइनस टू इक्वल टू आर की पावर माइनस टू। यही हमें फाइंड आउट करना था, लोकस ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस। एंड अगर वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर कंप्लीट कोर्स ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री एंड सिमिलरली किसी भी पेपर का मैथमेटिक्स के अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो आप मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।